कर्मचारियों की खत्म हुई टेंशन, कांग्रेस दे रही ओल्ड पेंशन। राजस्थान, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दिया 6 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ। अब मध्य प्रदेश में भी लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। लालकुआ में 5 दिन चलने वाले देवभूमि एक्सपो का समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में उत्कृष्ट उत्पाद बनाने वाली संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह, लघु उद्यमियों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। लालकुआ में देवभूमि जनसेवा संस्था द्वारा आयोजित देवभूमि एक्सपो का समापन हुआ। ये मेला 5 दिनों तक चला, जिसमें लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया गया। समापन कार्यक्रम में उत्कृष्ट उत्पाद बनाने वाली संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह, लघु उद्यमियों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र वितरण किए गए। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने सभी का दिल जीत लिया। देवभूमि जन सेवा संस्था उत्तराखंड के अध्यक्ष प्रकाश सिंह बिष्ट ने कहा कि देवभूमि एक्सपो का आयोजन शानदार आयोजन किया गया था। यहां पर को जो है देवभूमि एक्सपो मेला लगाया गया था। यह मेला एक बहुत अच्छा मेला रहा, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें खटीमा के जो थारू जनजाति हो या वहाँ के लोगों ने जो स्टॉल लगाए थे, नैनीताल, हल्द्वानी, भीमताल, रामगढ़, चोरगलिया, लालकुआ और हल्दूचौड़, ग्वालापार के लोगों ने यहाँ पर को लगाया था स्टॉल, जिसमें स्वयं सहायता समूह, छोटे उद्यमी, सफल उद्यमी, उनके द्वारा लगाया गया था। यह मेला बहुत अच्छा रहा और इसी प्रकार का मेला भविष्य में भी लगेगा, क्योंकि यह लोकल फॉर वोकल का एक मंच है, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस ये प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि हमारे छोटे उद्यमी को एक अच्छा मंच मिल सके और डिजिटल मार्केटिंग कि इस भागदौड़ से बच सके। कि पर 60 स्टॉल लगाए थे, जिसमें से 2 स्टॉल भोजन के लगे। हर परिवार को 25 लाख तक मुफ्त इलाज, दुर्घटना में 10 लाख की मदद, हर घर 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। खुशहाल परिवार, कांग्रेस सरकार। हर परिवार को 25 लाख तक मुफ्त इलाज, दुर्घटना में 10 लाख की मदद, हर घर 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।